परिचय IFWJ। गुटनिरपेक्ष दुनिया में सबसे बड़े पत्रकार संगठन के रूप में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की स्थापना 28 अक्टूबर सन 1950 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर हुई। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में श्रमजीवी पत्रकारों के हितार्थ कार्य करने वाला यह देश का सबसे बड़ा पंजीकृत ट्रेड यूनियन संघ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 30,000 से ज्यादा प्राथमिक और सहयोगी सदस्य 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साधारण और 17 भाषाओं में करीब 1,260 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संवाद समिति और टीवी में कार्यरत हैं। पूर्व में टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में कार्यरत रहे श्री के विक्रम राव निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्थापना के समय से ही IFWJ राजस्थान इकाई भी पत्रकारों के हितार्थ सदैव संघर्षशील रही है। राजस्थान प्रदेश इकाई के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं द पुलिस पोस्ट और संगठन पत्रिका के संपादक उपेंद्र सिंह राठौड़। IFWJ देश भर में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी इकाइयां और शाखाएं हर नगर कस्बे और प्रकाशन केंद्र में है। इन इकाइयों द्वारा प्रेस क्लब, पत्रकार भवन, प्रेस अकादमी, संदर्भ लाइब्रेरियां, प्रशिक्षण केंद्र, अध्ययन मंच आदि संचालित किए जा रहे हैं। पत्रकारिता शोध, श्रमिक संघर्ष, मानव अधिकारों के लिए आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण, युद्ध विरोधी अभियान आदि कार्यक्रमों में फेडरेशन की इकाइयां निरंतर क्रियाशील रहती हैं। विश्वव्यापी मीडिया कार्यक्रम में भी IFWJ पूर्णतया जुड़ा हुआ है। IFWJ के पारस्परिक संबंध 47 राष्ट्रों की पत्रकार यूनियनों से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिनेवा और यूनेस्को से जनसंचार विकास के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IPDC पेरिस की विभिन्न योजनाओं के साथ IFWJ सक्रियता से जुड़ा है। ये कोलंबो स्थित एशियाई पत्रकार यूनियनों के परिसंघ के संबद्ध है। IFWJ अध्यक्ष ही इस एशियाई परिसंघ के चेयरमैन भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में फेडरेशन के कई 100 सदस्य यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षण और सम्मेलनों में भाग लेने जा चुके हैं। फेडरेशन के संविधान के अनुसार शीर्ष पद पर अध्यक्ष होता है, जिसे हजारों सदस्य राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष मतदान से प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुनते हैं। अध्यक्ष के साथ 1 प्रधान सचिव, 4 उपाध्यक्ष, 6 क्षेत्रीय सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 15 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का चयन होता है। इन सभी का निर्वाचन राष्ट्रीय परिषद त्रैवार्षिकी प्रतिनिधि अधिवेशन में गुप्त मतदान और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। श्री के विक्रम राव गद्यकार, संपादक और टीवी रेडियो समीक्षक के साथ ही श्रमजीवी पत्रकारों के हितार्थ प्रकाशित मासिक द वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रधान संपादक भी हैं। श्री के विक्रम राव वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी समाचार संभाग वॉशिंगटन के दक्षिण एशियाई ब्यूरो में संवाददाता रहे। भारतीय प्रेस काउंसिल के 1991 से लगातार 6 वर्षों तक आप सदस्य रहे। भारत सरकार द्वारा 2008 में गठित मजीठिया वेतन बोर्ड 1996 और माणिसाणा वेतन बोर्ड के सदस्य रहते हुए देश विदेश के श्रमजीवी पत्रकारों के हितार्थ कार्य करते हुए 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पुनः 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होकर मार्च 2016 से अपनी अध्यक्षीय पारी खेलते हुए देश के पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्षशील हैं। श्री उपेंद्र सिंह राठौड़ IFWJ में प्रदेश के विभिन्न पदों के तहत राजस्थान में पत्रकारों के लिए संघर्ष करने वाले जुझारू ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। श्री के विक्रम राव ने इनकी कार्यशैली के मद्देनजर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया,
लेकिन राजस्थान प्रदेश के जैसलमेर में 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान आयोजक के रूप में श्री राठौड़ की कार्यप्रणाली और संगठन निष्ठा से प्रभावित होकर श्री राव ने इन्हें प्रदेशाध्यक्ष की बागडोर सौंपी। इनके कार्यकाल में प्रदेश में राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद दूसरी उपलब्धि के रूप में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 19 फरवरी सन 2017 को पंचायती राज संस्थान में आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश से करीब 200 पत्रकारों की सहभागिता रही। अक्टूबर 2017 की 27 और 28 तारीख को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में IFWJ के 67 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश के साथ राजस्थान के प्रत्येक जिले उपखंड से पत्रकारों ने सैकड़ों की तादाद में भाग लिया। इनकी बड़ी संख्या में पत्रकारों का सम्मेलन राजस्थान प्रदेश में प्रथम बार आयोजित हुआ, जो IFWJ की सशक्तता को दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर नागर, उपाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ प्रदेश भर के 4 बार सघन दौरा करते हुए राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों, उप जिला मुख्यालय पलोदी में जिला इकाइयों का गठन अल्प समय में किया। वर्तमान में 1487 से भी ज्यादा पत्रकार IFWJ संस्था के सदस्य हैं। यूनियन की 69वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के 215 उपखंड तक IFWJ की इकाइयों को गठित करने के साथ प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम समस्त विधायकों और सांसदों से राजस्थान प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए अनुशंसा पत्र लिखवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आशातीत सफलता भी प्राप्त की है। प्रदेशाध्यक्ष का प्रदेश में मुख्यतया फोकस पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन पर होने वाले हमलों में गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज हों, बिना मुख्यमंत्री और उनके नामित अधिकारी की अनुमति के किसी पत्रकार की गिरफ्तारी ना हो, कैशलेस मेडिक्लेम और विशेष बीमा और दुर्घटना बीमा केंद्रीय सरकार द्वारा करवाया जाए, सभी श्रेणी की बसों में जहां तक प्रदेश की बस सेवा हो पत्रकारों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, कैमरामैन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारों के उपकरणों की विशेष बीमा सुविधा राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध हो, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पत्रकारों की स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर टोल से मुक्त किया जाए, लंबित पड़ी आवास प्रक्रिया का शीघ्र निस्तारण किया जाए, पत्रकारों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा हेतु कोटा निर्धारण। साभार IFWJ राजस्थान प्रदेश, कार्यालय F66 सुंदर मार्ग सी स्कीम जयपुर राजस्थान। मेल आईडी है IFSJRAJADTHAN@rediffmail.com। वेबसाइट www.ifwjrajasthan.com।